पृथ्वी की रचना आज से करीब 4.543 साल पहले हो गई थी, लेकिन आज पृथ्वी रहस्यों से भरा पड़ा है। विज्ञान कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिससे आज तक सुलझा नहीं सकी। धरती का एक ऐसा रहस्य जो लोगों को हिला कर रख दिया। ये पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि लोगों को अच्छे तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया। ये पूरी दुनिया रहस्यों का भंडार है। आप भी ऐसे कई रहस्य जानते होंगे जिससे आप भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, लेकिन ऐसे भी रहस्य हैं जिसे आपने आज तक सुना ही नहीं होगा। दरअसल आज हम एक रहस्यमय विमान के बारे में बताएंगे जो अपने उड़ान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड हुआ था। मीडिया की रिपोर्ट माने तो एक विमान जो अमेरिका से न्यूयॉर्क से साल 1955 में एक विमान उड़ान भरी थी जिसकी विमान संख्या 914 थी। इसमें कुल 57 यात्री सवार थे जो न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे थे, लेकिन यह विमान मायामी पहुंचा ही नहीं। जबकि आज के समय में एक साधारण विमान न्यूयॉर्क से मायामी तक पहुंचने में औसतन 3.5 घंटे का समय लेती है, लेकिन यहां हम साल 1955 की बात करें तो अधिकतम 5 घंटे में विमान मायामी तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त दुविधा में आ गई जब ये विमान 1955 से विमान संख्या 914 आसमान से ही गायब हो गई। यह विमान 37 साल बाद पारोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। लेकिन सबको हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस विमान के बारे में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि 37 साल बाद जो इसमें यात्री मौजूद थे सारे के सारे कंकाल तंत्र वहाँ उस सीट पर मौजूद थे, जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये जहाज आसमान से कहाँ गायब हो गई थी। आखिर इतने लोग आखिर वहाँ पर मर गए थे तो कैसे ये हवाई जहाज उड़ रहा था और 37 साल आखिर था कहाँ। ये काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिससे कोई भी विज्ञान नहीं सुलझा सकती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।